जब मैं टीका लगा रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े थे, इसलिए मेरे लिए भाग्यशाली दिन है। ये एक सपना सा लग रहा था वास्तव में मुझे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारा हालचाल पूछ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज पीएम मोदी सर से मिलके, सर मतलब इतना होप नहीं था कि सर को कभी ऐसा मिलेगा, बट एक्चुअली इट वॉज माई ड्रीम कम थ्रू। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାମ ମନୋହର ହସ୍ପିଟାଲ। ଦେଶ ଟିକାକରଣରେ 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ର ରେକର୍ଡ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। 100 କୋଟିର ଟିକାକରଣ, ସାମିଲ ଥିଲେ ଲଢ଼େଇରେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଡାକ୍ତର ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିତାଇଥିଲେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ କୋଭିଡ ସମୟର ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇର ସ୍ମୃତିକୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଗସ୍ତରେ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଏ ବତନ ଗୀତ ଗାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। बहुत अच्छा लगा, सर ने मेरे को पूछा था कि आपका जर्नी कैसे है, तो अभी तक जब से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था, मेरा ड्यूटी यहाँ पे था, तो अभी तक मैंने 15,000 तक अप्रॉक्सीमेटली बेनिफिशरीज को वैक्सीनेट किया। तो सर ने उसका जर्नी के लिए मेरे को पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की टीम मेंबर हूँ और मैंने इतना मौका मिला कि पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए और ये इतना टफ डिफिकल्ट टाइम में कोरोना से लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने हमसे जो है पूछा गया कि हमारे पास कौन से ऐसे बेनिफिशरी हैं जो हमारे पास नेगेटिव हमारे सोचते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास कुछ बेनिफिशरी ऐसे भी आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, शायद इससे ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी। लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या हॉबी है, तो मैंने बोला कि मेरे को गाना गाना अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला कि एक दो लाइन सुना दो। इस बच्ची के बारे में उन्होंने सारी डिटेल्स पूछी कि आप इसका देखभाल कैसे करते हो, क्या करते हो, इसको वैक्सीनेशन में लेट क्यों हो गया, और इससे भी बातचीत की कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या करते हो, क्या आपका रूटीन क्या रहता है। तो एक देश के प्रधानमंत्री एक बच्चे से या एक देश के सामान्य नागरिक से जब इतना पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री इतने हम्बल हैं। केवल जे डाक्तर साधारण लोक स्वास्थ्यकर्मी नुहे, प्रधानमंत्री से हॉस्पिटल में कार्य करथवा कर्मचारी सिक्यूरिटी वर्कर के सहित मध्य कथा होतिले, पचारिथिले सेमानकु कोविड लढ़ई रे केमिति थिला सेमानकर समय। आए तो आते उन्होंने पूछा कि कोविड के टाइम में आपने कैसे ड्यूटी की, आपके घर वाले आपको मना करते रहे होंगे, तो मैंने कहा सर मना तो करते थे लेकिन मन में एक सेवा का भाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं सेवा में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये सोच करके हम भी सेवा करने लगे। तो मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपने जो एक बार कहा था कि मैं देश का चौकीदार, तो वो आपने जो कहा तो वो उससे हम चौकीदारों का मनोबल बहुत बड़ा सर, और आज समाज में हम लोगों की इज्जत है। ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ आज के डायरेक्ट मेरे
पीएम मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई। ये चौकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। मैं भी चौकीदार हूँ।